हेलो गाइस, आप देख रहे हैं एफटी थॉट्स। मेरा नाम है रवि कुमार एंड गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं गाइस कैसे आप लोग अपने वेबसाइट को फ्री में प्रमोट कर सकते हैं एक ऐसी वेबसाइट पे गाइस जिसका DAPA बहुत ही अच्छा है, मतलब कि 90 प्लस उसका DA एंड 70 प्लस उसका PA है। एंड गाइस इसी के साथ साथ गाइस इस वेबसाइट पे मंथली अराउंड 62 मिलियन का ट्रैफिक आता है। और ऐसी वेबसाइट पे आप लोग अपने वेबसाइट के लिंक प्लेस कर सकते हैं, आप लोग अपने वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, किसी भी तरीके का आप लोगों को चार्ज नहीं देना है। सो कौन सी ये वेबसाइट है, कैसे आप लोगों को प्रमोशन करना है, कैसे आप लोगों को अपना यहाँ पे अकाउंट बनाना है, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। और इसका एक छोटा सा कॉस्ट होगा, आप लोगों को सिर्फ वीडियो को लाइक करना होगा। एंड अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को तो लाइक करना ही, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो चलिए गाइस विदाउट किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आप लोगों को बताता हूँ इस अमेजिंग वेबसाइट के बारे में जहाँ पे जाके आप लोग अपने वेबसाइट को फ्री में प्रमोट कर सकते हैं। सो गाइस जैसा कि देख सकते हैं, प्रमोट योर वेबसाइट प्लस फ्री वेबसाइट ट्रैफिक, मतलब वेबसाइट का प्रमोशन तो हो ही रहा है, इसी के साथ साथ फ्री वेबसाइट ट्रैफिक भी मिल रहा है। सो देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट, आप लोग अपने वेबसाइट को फ्री में प्रमोट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ गाइस आप लोगों को यहां पे हाई DAPA बैकलिंक्स मिलने वाला है जिसका DA 91 PA 77 है। एंड गाइस ऐसी वेबसाइट पे आप लोग अपने वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं जहां पे गाइस मंथली जो ट्रैफिक है वो अराउंड 62 मिलियन आता है। एंड गाइस ये US बेस्ड वेबसाइट है, तो यहां पे आप लोगों को CPC बहुत ही अच्छी मिलेगी और अर्निंग के चांसेस भी आप लोगों के बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो चलिए मैं फाइनली बता देता हूं मैं किस वेबसाइट के बारे में बात कर रहा हूं गाइस। तो इसके लिए मैं आप लोगों को इस वेबसाइट का नाम बता देता हूं। इस वेबसाइट का गाइस नाम है W3 Schools। अब गाइस ये HTML या कोडिंग से रिलेटेड वेबसाइट है, बट यहां पे आप लोग कोई भी एक अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो बताने वाला हूं। उससे पहले इस वेबसाइट का DAPA, स्पैम स्कोर एंड क्वालिटी बैकलिंक्स, वहीं इसका ट्रैफिक कितना था, ये सारी चीजें हम चेक करेंगे। सबसे पहले इस वेबसाइट का DAPA मैं आप लोगों को चेक करा देता हूं। सो देख सकते हैं इसका DA 91 PA 77 और गाइस 3 मिलियन बैकलिंक्स बनाए हुए हैं। और अगर आप लोग देखें तो इसका स्पैम स्कोर 11% शो हो रहा है, जो कि कंसीडर किया जाता है लो स्पैम स्कोर में, जिसका आप लोगों को मैं प्रूफ भी गाइस यहां पे दिखा देता हूं। मोज ने खुद ही ये आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें इन्होंने साफ साफ गाइस लिखा हुआ है कि जो ये स्पैम स्कोर होता है 1 से लेकर 30% तक का, वो कंसीडर किया जाता है लो स्पैम स्कोर में। तो मैं आप लोगों को वो भी चेक करा देता हूँ। वो आर्टिकल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। अब इस वेबसाइट का गाइस यहाँ पे ट्रैफिक स्टैट्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ सिमिलर वेब की मदद से। तो इसके लिए सिमिलर वेब मैं ओपन कर लूंगा। अब गाइस यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इस वेबसाइट के जो भी स्टैट्स होंगे वो आप लोगों के सामने आ जाएंगे। जैसा कि देख सकते हैं इसका कितना ट्रैफिक इस वेबसाइट पे आ रहा है, कितना यहाँ पे गाइस कौन सी वेबसाइट से ट्रैफिक आ रहा है देख सकते हैं। सितंबर 2021 का ओवरव्यू आप लोगों के सामने है। इसका ग्लोबल रैंक 754 है, कंट्री रैंक यहाँ पे देख सकते हैं 1100 है और कैटेगरी रैंक भी 34 है। टोटल विजिट्स की बात करें गाइस तो देख सकते हैं 62 मिलियन का मंथली ट्रैफिक इस वेबसाइट पे आता है। सो गाइस देख सकते हैं अब इस वेबसाइट पे 18% का जो ट्रैफिक है गाइस वो आता है US से। सो आप लोग सोच सकते हैं यहाँ पे अगर आप लोगों को 1 से 2 क्लिक्स भी मिल जाते हैं US से, सो आप लोगों की अच्छी खासी अर्निंग भी हो जाएगी क्योंकि सबसे ज्यादा CPC वहीं मिलता है। एंड गाइज अगर बात करें इसके ट्रैफिक की तो देख सकते हैं यहाँ पे 82% ट्रैफिक सर्च से, मतलब ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है। सो गाइज सारे स्टेट्स मैंने आप लोगों को चेक करा दिया। अब चलिए मैं आप लोगों को वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ मैं किस वेबसाइट के बारे में बात कर रहा हूँ और यहाँ पे कैसे आप लोगों को अपने वेबसाइट को प्रमोट करना है। तो W3 Schools पे आप लोगों को विजिट करना है, यहाँ पे आप लोगों को अपना एक अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है गाइज, और अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैंने अपना पहले से ही एक वेबसाइट यहाँ पे बना रखी है। और अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैंने हर जगह अपने वेबसाइट के लिंक प्लेस किए हुए हैं, अपने यूट्यूब चैनल का लिंक प्लेस किया हुआ है। और गाइज ये 100% डू फॉलो बैकलिंक है। इसी के साथ साथ गाइज 2 दिन पहले ही मैंने ये अपना जो स्पेस है वो बनाया है, और इसका DAPA जब मैं आप लोगों को चेक कराऊंगा तब आप लोग यहाँ पे चौकन्ने रह जाएंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पे जो इसका DAPA है वो मात्र 2 दिन में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप लोग यहाँ पे ऐसा अपना एक पेज बना सकते हैं, और इसी के साथ साथ गाइज यहाँ पे DAPA ज्यादा रहेगा तो आप लोग जितने ज्यादा डू फॉलो बैकलिंक्स बनाएंगे उतना ज्यादा आप लोगों को फायदा होने वाला होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइज मैं किस कैसे यहाँ पे DAPA यहाँ पे बढ़ाने वाले और कैसे इस वेबसाइट के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका DAPA आप लोगों को चेक करा देता हूँ। तो मैंने URL कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद गाइज मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और सिंपली गाइज चेक के बटन पे मैं क्लिक करूंगा। और जैसे ही मैंने चेक के बटन पे क्लिक किया सो गाइज आप लोग देखेंगे कि इसका DA 35 PA 21 मोज ट्रस्ट 1
स्पैम स्कोर 1%, और ये जो एज 303 दिन दिखा रहा है वो उसका सब डोमेन का दिखा रहा है, बट जो ये मैंने बनाया है वो मात्र 2 दिन पहले ही बनाया है। और गाइज यहाँ से आप लोग ऐसे यहाँ पे अपने वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को सारे स्टेप स्टार्टिंग से बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को W3 Schools लिख के गूगल पे सर्च करना है, पहली वेबसाइट आएगी, इस पे आप लोगों को विजिट कर लेना है। अब गाइज अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को एक वेबसाइट का सेक्शन दिख रहा होगा, इस वेबसाइट के बटन पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही गाइज आप लोग इस वेबसाइट के बटन पे क्लिक करेंगे गाइज, तो आप लोग नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं टेम्प मेल का यूज कर रहा हूँ, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप लोग अपने ओरिजिनल क्रेडेंशियल से अकाउंट बनाइएगा। अब यहाँ पे गेट स्टार्टेड फॉर फ्री के बटन पे आप लोग क्लिक करेंगे, ईमेल एंड पासवर्ड एंटर करके आप लोग अपना अकाउंट यहाँ पे बना लेंगे। सो यहाँ पे मैंने ईमेल कॉपी किया, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप लोगों को पासवर्ड एंटर करना है, तो मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। और इसके बाद गाइज ये सिंपल सा प्रोसेस है यहाँ पे अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट करने का, और बहुत ही आसानी से आप लोग अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने कर दिया, अब साइन अप फॉर फ्री के बटन पे मैं क्लिक करूंगा। और गाइज जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एक वेरिफिकेशन मेल मेरे पास आ जाएगा, जैसा कि मैं दिखा देता हूँ। इससे पहले आप लोग अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर करेंगे और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब अगर आप लोग देखें तो वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास थोड़ी ही देर में आप लोगों के पास वेरिफिकेशन मेल आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं मेरे पास वेरिफिकेशन मेल आ चुका है। अब आप लोगों को क्या करना है, सिंपली यहाँ पे वेरीफाई के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग वेरीफाई ईमेल के बटन पे क्लिक करेंगे आप लोगों का अकाउंट यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगा, और आप लोग यहाँ पे आप अपने वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब सिंपली रिटर्न टू लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है, जिस ईमेल आईडी और पासवर्ड आप लोगों ने एंटर किया था उसी से आप लोगों को लॉगिन कर लेना है। सो देख सकते हैं मैंने कर लिया। अब स्पेस करके एक बटन दिखेगा, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है गाइस। और जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे सो यहाँ पे गेट स्टार्टेड फॉर फ्री के बटन पे आप लोगों को दोबारा क्लिक करना है, और अगर आप जो लोग चाहें तो स्पेस के बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो आप लोगों का यहाँ पे स्पेस शो करने लगेगा कि जो स्पेस आप लोग बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट विद टेम्पलेट लोगों को क्लिक करना है, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। मैंने अपना जो टेम्पलेट यूज किया है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, और उसी पे मैं सारी चीजें करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, क्योंकि वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा लिंक प्लेस करने के लिए। सो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सीवी वाला जो टेम्पलेट है वो यूज किया है, जो थर्ड नंबर पे है स्टार्ट विथ सीवी, इसी के साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसके अलावा आप लोग दूसरा भी यूज कर सकते हैं, तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया और कंटिन्यू के बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे आप लोगों को अपने स्पेस का नाम देना है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि अपने वेबसाइट से रिलेटेड ही नाम दीजिएगा, जैसे मैंने दे दिया Tecum1। अब सिंपली आप लोगों को कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है, और आप लोगों का जो स्पेस है गाइस वो क्रिएट हो चुका है। अब अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को सारे चेंजेस करने हैं, जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सारे चेंजेस अगर आप लोग करते हैं तो आप लोगों को गाइस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फायदे होंगे, और आप लोग अपने वेबसाइट को प्रमोट कर पाएंगे। तो यहाँ पे index.html का सेक्शन आप लोगों को दिखने वाला है, इस पर क्लिक करेंगे और एडिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे गाइस अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे HTML में आप लोगों को सारे चेंजेस करने हैं। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग सारे चेंजेस कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप लोग सारे चेंजेस करेंगे। तो मान लीजिए जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे चेंज करना है इसका नाम, जैसा कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, जेन डो, जैसे आप लोगों को इसे चेंज करना है तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मेटिंग वाले सेक्शन में आना है, कंट्रोल एफ प्रेस करना है और ये सर्च कर देना है। जहां पे ये आएगा गाइस ये देख सकते हैं आ चुका है। अब यहाँ पे आप लोगों को अपना नाम दे देना है, अपने वेबसाइट का नाम दे देना है, कुछ भी आप लोग दे सकते हैं। तो इससे आप लोग इसे चेंज कर पाएंगे, और ऐसे ही आप लोग सारी चीजें आसानी से चेंज कर सकते हैं, या तो जैसा मैं कर रहा हूं वैसा आप लोग करेंगे। अब देख सकते हैं इसके नीचे जो सारी चीजें लिखी हैं इसे मैं चेंज कर दूंगा, जैसे डिजाइनर की जगह ब्लॉगर लिख सकते हैं, कहां से रह रहे हैं, लंदन यूके है तो यहां पे आप लोग न्यू दिल्ली इंडिया या जहां से भी आप लोग बिलोंग करते हैं वो लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ ईमेल वाले सेक्शन में आप लोग अपना लिंक कैसे लगाएंगे वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सो गाइस देख सकते हैं अब यहाँ पे मैंने इसे भी चेंज कर दिया। अब ईमेल वाले सेक्शन में आप लोग अपना लिंक कैसे लगा सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग अपने वेबसाइट का नाम लिख देंगे या कुछ भी लिख देंगे, यू कैन विजिट हेयर ऐसा कुछ भी लिख देंगे, जैसे मैंने लिख दिया माई वेबसाइट। अब आप लोगों को एक नया टैब ओपन करना है, और यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है HRF टैग। तो मैं यहाँ पे लिख के सर्च कर देता हूँ HRF टैग। तो यहाँ पे गाइस मेरे सामने यहाँ पे रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, इस पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है, W3 Schools की वेबसाइट है, और ट्राई इट योरसेल्फ के बटन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे गाइस जो चीजें मैं काट रहा हूँ या डिलीट कर रहा हूँ उसे आप लोगों को डिलीट कर देना है। देन इसके बाद जो चेंजेस मैं कर रहा हूँ, जैसे W3 Schools है यहाँ पे आप लोगों को अपने डोमेन का नाम लिख देना है, और उसके सामने अगर .com है तो .com या .in है तो .in लिख देंगे। और इसके बाद यहाँ पे आप लोग लिख देंगे अपने वेबसाइट का नाम, जैसे मैंने लिख दिया Tecum। अब ये सारी चीजें करने के बाद रन के बटन पे क्लिक करना है। अगर ये रन होता है तो ये सही लिखा है आपने, आप लोगों को सिंपली अब इस कोडिंग को कॉपी करना है।
और यहाँ पे लाके आप लोगों को इसे पेस्ट कर देना, और ऐसे ही जिस भी लाइन में आप लोग लिंक लगाना चाहते हैं सेम प्रोसेस अपनानी है तो आप लोग लिंक लगा देंगे। अब अगर आप लोगों को मैं सेव करूँ, सबसे पहले सेव कर दिया मैंने, अब मैं प्रीव्यू करके अगर आप लोगों को दिखाऊं कि ये काम कर रहा है कि नहीं, तो देख सकते हैं सारी चीजें काम कर रही हैं। अगर इसे मैं न्यू टैब में ओपन करता हूं तो मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और इसी के साथ साथ गाइज ये 100% डू फॉलो बैकलिंक है जो कि मैं आप लोगों को अभी चेक करा के भी दिखा दूंगा। सो गाइज इस तरीके से आप लोग सारे चेंजेस कर सकते हैं, मैं कुछ और चेंजेस आप लोगों को करके दिखाऊंगा, और गाइज सेम प्रोसेस आप लोग अपनाएंगे तो आप लोग पूरे पेज में अपने लिंक लगा सकते हैं, अपने वेबसाइट का प्रमोशन कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से गाइज जितने लिंक्स लगाना चाहें लगा सकते हैं। कोई भी यहाँ पे आप लोगों का मॉडरेटर नहीं है, कोई भी आप लोगों के लिंक को डिलीट नहीं करने वाला है, और बहुत ही आसानी से आप लोग अपने वेबसाइट को यहाँ पे प्रमोट कर पाएंगे जो जो स्टेप्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अगर आप लोग उसे फॉलो करते हैं तो। सो देख सकते हैं गाइज अब मैं यहाँ पे सारी चीजें मैंने कर दी, अब यहाँ पे कुछ और चीजें मैं आप लोगों को चेंज करके दिखा देता हूँ गाइज, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को और भी चीजें जैसे स्किल्स, फोटोग्राफी, इलस्ट्रेटर, मीडिया, अब इन लोगों को अगर आप लोगों को चेंज करना है तो आप लोगों को सिर्फ टेक्स्ट चेंज कर देना है। जैसे जहाँ पे स्किल्स है वहाँ पे आप लोग अडोबी फोटोशॉप की जगह अपना ब्लॉगिंग लिख सकते हैं, यूट्यूब लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने लिख रखा है देख सकते हैं अपने वेबसाइट में, तो आप लोग भी ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। इतनी आसानी से गाइस ये सारे चेंजेस हो जाएंगे, सो आप लोगों को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली है, बहुत ही आसानी से सारे चेंजेस आप लोग कर पाएंगे। और जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ अगर आप लोग सेम एज इट इज ऐसा ही करते हैं तो आप लोग भी इस तरीके की वेबसाइट बना पाएंगे और बहुत ही आसानी से अपने वेबसाइट को यहाँ पे प्रमोट कर पाएंगे, फ्री वेबसाइट ट्रैफिक ला पाएंगे, और इसी के साथ साथ हाई क्वालिटी डू फॉलो बैकलिंक्स तो आप लोगों को मिल ही रहा है। तो गाइस सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, अब देख सकते हैं मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ वर्क एक्सपीरियंस तो यहाँ पे ये आ चुका है। अब यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, जहाँ पे ये फ्रंट एंड डेवलपर है यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं अपना पोजीशन, देन इसके बाद अपने वेबसाइट का नाम, जैसा कि मैं लिख देता हूँ ब्लॉगर, और यहाँ पे लिख देंगे techm.com। अब लिंक लगाना बहुत आसान है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था सेम प्रोसेस वही अपनानी है, वो कोडिंग जहाँ पे आप लोग पेस्ट कर देंगे आप लोगों का लिंक वहाँ पे काम करने लगेगा। मेरे को खैर अभी यहाँ पे नहीं लगाना, बट सेम ऐसा ही रखना है। तो अब मैं क्या करूँगा गाइज, यहाँ पे जो स्टार्टिंग की कुछ लाइंस मैंने लिखी हुई है सेम इसे ही मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा, देख सकते हैं मैंने कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद गाइज यहाँ पे लाके जो पहले चीजें लिखी गई है इसे मैं डिलीट करूंगा, और इसे डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूंगा जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और यहाँ पे जो स्टार्टिंग ईयर्स लिखा है इसे भी आप लोग चेंज कर सकते हैं या आप लोग ऐसे रहने दे सकते हैं, अगर आप लोग सिर्फ लिंक बिल्डिंग के प्रोसेस से कर रहे हैं तो आप लोग छोड़ सकते हैं, वरना आप अगर आप लोग चाहें तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड है। अब देख सकते हैं गाइस जो पहले की लाइंस लिखी हुई थी उन्हें मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है, और उसे डिलीट करने के बाद गाइस यहाँ पे जो मैंने कॉपी किया था उसे पेस्ट कर दिया, और लिंक लगाना कितना आसान है मैंने आप लोगों को बताया है। ये सिंपली इस कोड को आप लोगों को कॉपी करना है, और जहाँ जहाँ आप लोगों को लिंक लगाना है सिर्फ आप लोगों को URL वहाँ पे चेंज करना है और अपना टेक्स्ट चेंज करना है, और सेम एज इट इज़ उसे प्रोसेस कर देना है या पेस्ट कर देना है, तो आप लोगों का लिंक वहाँ पे सक्सेसफुली लग जाएगा, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मेरा लग चुका है। अब ऐसे ही आप लोग जहाँ जहाँ लिंक लगाना चाहें लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर मैं आप लोगों को इंस्पेक्ट करके यहाँ पे दिखाऊं सो आप लोग देखेंगे गाइस कि यहाँ पे 100% इंस्पेक्ट हो चुका है, और यहाँ पे 100% डू फॉलो बैकलिंक मेरे को मिल रहा है। सो आप लोग भी ऐसे ही डू फॉलो बैकलिंक्स बना सकते हैं, जितने चाहें डू फॉलो बैकलिंक्स बना सकते हैं, और अपने वेबसाइट का फ्री में प्रमोशन कर सकते हैं, किसी भी तरीके की आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जहां जहां आप लोग चेंजेस करना चाहते हैं, जिस वर्ड को चेंजेस करना चाहते हैं कंट्रोल F प्रेस करके उसे चेंज करेंगे और आसानी से हो जाएगा। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि इस इमेज को चेंज करना है तो सबसे पहले आप लोगों को उस इमेज को यहाँ पे अपलोड करना है जिसे आप लोग चेंज करना चाहते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं कुछ इमेजेस को अपलोड कर देता हूँ, जैसे मैं इसे अपलोड कर देता हूँ अपने वेबसाइट के लोगों को। और यहाँ पे इसे अपलोड करने के बाद इसका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, जिसका जैसे इसका नाम है unnamed.jpg। अब आप लोगों को इंडेक्स वाले सेक्शन में दोबारा जाना है गाइस, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इंडेक्स वाले सेक्शन में जाएंगे, देन इसके बाद एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे, और एडिट के बटन पे क्लिक करने के बाद गाइस आप लोगों को इमेज सोर्स ढूंढना है, जैसा कि देख सकते हैं image.src। अब यहाँ पे इस वेब अब जो इस इमेज का नाम है avatar.hat इसे आप लोगों को डिलीट करना, और जो आपके इमेज का नाम है उससे रिप्लेस कर देना, और हमारे इमेज का नाम था unnamed.jpg, तो उससे गाइज मैंने यहाँ पे इसे रिप्लेस कर दिया और सिंपली सेव के बटन पे क्लिक कर दिया।
तो अब जो इमेज है वो भी सेव हो जाएगी और यहाँ पे चेंज हो जाएगी, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो चुकी है। सो गाइज ये एक वेबसाइट थी जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया और जिसका यूज करके गाइज आप लोग अपने वेबसाइट को फ्री में प्रमोट कर सकते हैं इस बड़ी वेबसाइट पे। और इसका DAPA भी कितना बढ़ चुका होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। जस्ट मैंने आप लोगों के सामने ही ये वेबसाइट बनाई और इसका DAPA मैं आप लोगों को चेक करा देता हूँ। आई एम नॉट अ रोबोट के कैप्चा को मैंने सॉल्व किया और सिंपली चेक के बटन पर मैंने क्लिक कर दिया और अगर आप लोग देखें तो इसका DA 35 PA 21 जो दिखा रहा है वो सब डोमेन की दिखा रहा है और मोस्ट ट्रस्ट भी 2 हो चुका है। सो गाइज इस तरीके से आप लोग अपने वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं, जितने लिंक्स लगाना चाहें वो लिंक्स लगा सकते हैं और वो 100% डू फॉलो बैक लिंक रहेगा। और इसी के साथ साथ गाइज आप लोग इसकी मदद से अपने वेबसाइट पे फ्री वेबसाइट ट्रैफिक भी पा सकते हैं। सो गाइज आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए या आप लोगों को हमारी ये ट्रिक पसंद आई तो आप लोगों को सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि वीडियो को लाइक कर देना, ताकि गाइज हमें मोटिवेशन मिले कि हम आप लोगों के लिए ऐसे और वीडियोस बनाते रहें। सो थैंक यू सो मच गाइज वीडियोस देखने के लिए और रेस्पॉन्स आप लोगों ने पिछली वीडियो पे बहुत ही अच्छा दिया, सो मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड गाइज अगर आप लोगों ने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप लोग जाके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।